तो दोस्तों, आज रशिया की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है, जिसने भारत समेत उन देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है जो कि रूस के हथियारों को ऑपरेट करते हैं। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक आर्टिकल देख सकते हो, जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्टों के हिसाब से कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर रशिया ने अपने कई सारे जो फाइटर जेट हैं उनको ही शूट डाउन कर दिया है, वो भी खुद ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के द्वारा। और दोस्तों, इस कारण से जो रशिया है वो अब अनुभवी पायलटों की कमी से काफी ज्यादा गुजर रहा है और यूक्रेन के अंदर रशिया की एयरफोर्स प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर पा रही है। और दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार रशिया ने अपने SU-34 बॉम्बर को खुद के ही एयर डिफेंस सिस्टम से शूट डाउन कर दिया था। अब यह भारत के लिए बड़ी चिंता वाली खबर इसलिए है क्योंकि भारत भी रशिया के S-400 का इस्तेमाल करता है और थोड़ी सी चूक ने ही खुद के ही फाइटर जेटों को मारकर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में सिद्ध कर दिया है कि यदि S-400 को ऑपरेट करते समय ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई तो खुद के फाइटर जेटों को भी S-400 डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों, इसी कारण से वे देश भी चिंता में पड़े हुए हैं जिन्होंने रशिया से हथियार खरीदे हैं। और स्पेशली तौर पर पश्चिमी देशों के डिफेंस एक्सपर्टों का ऐसा मानना है कि रशिया के यहां पर अनुभवी पायलटों की काफी ज्यादा कमी है, जिसके कारण से यह चूक हुई और रशिया ने खुद के ही फाइटर जेटों को खुद की ही इंटरसेप्टर मिसाइलों के द्वारा ध्वस्त कर दिया। हालांकि यदि भारत की बात करें तो भारत के पास भी अपने यहां पर कई सारे अनुभवी पायलट हैं, परंतु S-400 को ऑपरेट करने वाली टीम को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रशिया में हुआ ऐसा किसी भी देश के साथ भी हो सकता है जो रूस के S-400 या किसी भी प्रकार के डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। पर आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को रूस की इस गलती से सीख लेने चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।